हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चार यूरोपियन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत आने वाले 15 सालों में कुछ 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का भारत में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जो कि डायरेक्टली भारत में 10 लाख रोजगार को वो जनरेट करेंगे। और साथ में इन चारों जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके यहां से जो सामान भारत में इंपोर्ट होगा, सरकार उसके ऊपर कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ये जिसको कि हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि नेग्लिजिबल जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भारत सरकार उनके ऊपर इंपोज करेंगे। आज हम इसी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जानकारी हम जानेंगे और समझेंगे कि क्यों भारत के फ्यूचर और हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये था इंडियन एक्सप्रेस का 10 मार्च का आर्टिकल है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि चार यूरोपियन कंट्रीज भारत में 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 15 सालों में, जिसके बदले में भारत भी इन सब देशों के द्वारा जो भारत में सामान भेजा जाएगा, जिसमें खास करके आपके मेडिकल डिवाइसेस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन सब चीजों के ऊपर कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी या नेग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। चार यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या इस पैक्ट का हिस्सा हैं? तो सबसे पहला आइसलैंड है, दूसरा है लिंक्सटेनस्टाइन, माफी चाहूंगा अगर मैं इस नाम को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो तीसरा है नॉर्वे, चौथा है स्विट्जरलैंड। अगर आप इस देश को अगर आप मैप में देखेंगे तो इनफैक्ट भारत में जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है वो भी इससे बड़ा होता है, तो खैर ये एक अलग बात है। अगर मैं इन सब चारों देशों में सिर्फ अगर मैं एक देश की बात करूं जो कि स्विट्जरलैंड है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रखना चाहूंगा इस देश के बारे में कि इस देश के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सपोज दैट अगर मैं सिर्फ घड़ी की बात करूं, तो इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है स्पेसिफिकली घड़ी के ऊपर, वो इतना ज्यादा हाई एंड होता है कि दुनिया में और कोई देश इनके क्वालिटी को मैच ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट यूएस, जर्मनी, ये सब देश भी इनके क्वालिटी को मैच नहीं कर पाता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो स्विट्जरलैंड जिस भी प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर डिजाइन डेवलप करता है, मेक श्योर करता है कि उसका जो क्वालिटी रहे वो एकदम से हाई एंड क्वालिटी रहे, क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा रहे कि दुनिया में और कोई देश उस क्वालिटी को कभी मैच ही ना कर पाए। तो अगर आप सिर्फ इसी चीज को अगर आप फोकस करेंगे और दिमाग में रखेंगे, तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि अगर इन सब देशों का अगर कोई कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करता है पार्टनरशिप में, जिसको कि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अगर हम समझते हैं, तो भी जो भारत के जो कंपनीज हैं उनको एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा, जहां पे वो इतना ज्यादा हाई एंड कंपनीज के साथ मिल बैठ के काम करेंगे और सीखेंगे, जिसका कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होने वाला है वो भारत के जो यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, वो होने वाले हैं। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर मैं किसी भी तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट का अगर मैं किसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करूं, तो लोगों को लगेगा कि मैं प्रो गवर्नमेंट हूं, या तो अगर मैं प्रीवियस गवर्नमेंट की अगर मैं कुछ इनिशिएटिव को सपोर्ट करूं तो ऐसा लगेगा कि मैं प्रीवियस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। इस बीच में हम ये भूल जाते हैं कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं भारत के फ्यूचर के लिए। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो हुआ है, ये लगभग 2013 से चलता हुआ आ रहा था, जिसको कि बीच में काफी दिनों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और लगभग ऑफिशियली 13 राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन या 13 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुए थे, या उसके बाद कहीं जाके ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत और इन यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा पॉसिबल हो पाया है। और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या ऐसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जरूरी इसलिए भी होते हैं क्योंकि भारत को इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, भारत को वैसे कंपनीज का रिक्वायरमेंट है जो अपने फील्ड में काफी अच्छे हों। ये जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, खास करके चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। खैर पाकिस्तान तो एक बैंकरप्ट देश है, लेकिन चाइना से अगर हमें कम्पीट करना है तो हमें जो सबसे प्राइम फोकस करना है वो खुद के देश में इन हाउस डेवलपमेंट के ऊपर करना है। और ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे कमिटमेंट लिया गया है, कहने का मतलब है कि ऑन पेपर्स यहाँ पे लिखवाए गए हैं कि आने वाले 15 सालों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि ये सब देशों के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी मेक श्योर करना है कि उन सब देशों का जो प्रोडक्ट्स है वो भारत में सक्सेसफुली आए और उनके ऊपर कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस को चार्ज किया जाए। और इसी पैक्ट में एक क्लॉज है जो कि ये कहता है कि आने वाले 10 सालों में 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद के जो 5 साल है उसमें कुछ 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा।
अगर आप इस पैक्ट को, हालांकि ये पैक्ट अभी क्योंकि इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इन सब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ जाता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन और बहुत ही क्लियर तरीके से इन्वेस्टमेंट के इस प्रोसेस को भारत में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और अगर इन केस ये चारों यूरोपियन कंट्रीज अगर भारत में अपने कमिटमेंट से अगर वो पीछे हटते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनके प्रोडक्ट्स जो भारत में आएंगे उस पे जो कम टैक्स काटे जाएंगे या कम टैक्स चार्ज किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी रिवाइज करेगा। कहने का मतलब है कि सपोज दैट मैं भारत हूं और चार यूरोपियन कंट्रीज ने ये कहा है कि वो भारत में आने वाले 15 सालों में 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर किसी भी तरीके से अगर सामने वाला पार्टी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनके द्वारा जो सामान भेजा जाता है भारत में उसके ऊपर जो टैक्स रिबेट या बेनिफिट उनको या डिस्काउंट उनको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डिस्काउंट देना बंद कर देंगे। बीते कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफी बढ़ चढ़ के प्रमोट किया है। इसके तहत क्या है कि भारत में बहुत सारे ऐसे चीजों को डेवलप डिजाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर भारत किसी एक बीमारी के ऊपर या उसके रिलेटेड दवाई के ऊपर अगर भारत में काम किया जा रहा है और अगर सेम दवाई स्विट्जरलैंड के पास में है तो भारत उस प्रोडक्ट को भारत में नहीं मंगाएगा, और अगर मंगाएगा भी तो मेक श्योर करेगा कि वो उतना ही मंगाया जितना की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब है कि अगर स्विट्जरलैंड के पास अगर उस बीमारी का वो दवाई है तो उससे क्या हुआ कि भारत में जो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि बहुत वेल कैलकुलेटेड तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इन्वेस्टमेंट को भारत में मंगा रहे हैं। कितनी बार आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि भारत में जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन कितनी बार क्या होता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रहते हैं तो सरकार बदल जाते हैं, पिछले सरकार का कुछ अच्छा इनिशिएटिव होगा जो कि आने वाला सरकार उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो कितनी बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के कारण जो हमारा पोटेंशियल है या जो हमारा क्षमता है, जो दुनिया को दिखाना चाहिए या जिसको हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उसको हम दिखा नहीं पाते। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम फिर बाहर से जो रेडीमेड सामान है उसको मंगाना शुरू कर देते हैं, उसके कारण फिर हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खास काम नहीं हो पाता है, और एज अ रिजल्ट जो भारत के बेहतरीन टैलेंट्स होते हैं वो देश के बाहर चले जाते हैं। इसके साथ में क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अब्रॉड जाके काम करना चाहते होंगे, तो किस तरीके से जो ट्रैवल वीजा है उसके नियम कानून को भी थोड़ा आसान किया जाए ताकि भारतीय लोग विदेशों में जाके काम करें और वहां से फिर अपने फैमिली को या अपने फ्यूचर को सपोर्ट करें या उसको और अच्छा बनाएं। ऐसा ही कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेके हमारा जो बातचीत है वो यूके के साथ भी चल रहा है और लगभग कुछ 10 राउंड से भी अधिक बातचीत हमारे बीच में ऑफिशियली हो गया है, लेकिन अभी भी कोई कंक्लूजन पे दोनों देश नहीं पहुंच पाए हैं। कहने का मतलब है कि हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी बचाना है, हमें भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना है और साथ में हमें इन्वेस्टमेंट भी लाना है। अगर भारत में कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। अगर हम किसी भी सोशल कॉज में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास पैसे चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जितना आसान बाहर से दिखता है किसी भी देश को चलाने के लिए, उतना आसान एक्चुअली होता नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप भारत का इमेज अगर आप देखेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो वो काफी एक पॉजिटिव भारत का इमेज है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भारत इन्वेस्टमेंट लेना चाहेगा अपने हिसाब से, सामने वाला देश अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो इन अ वे एक बैलेंस ट्रेड बनाना या एक बैलेंस ट्रेड पैक्ट को साइन करते करते काफी लंबा वक्त लग जाता है। तो इन अ वे जिस तरीके से इस पैक्ट को साइन किया गया है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा एज एन हमारे जो देश है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, और जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको भी काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि ये काफी अच्छा ट्रेड डील साइन किया गया है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।